ये देखो भैया, बूढ़े बैल की और एक लोहिया जोटे की जोड़ी, काफ़ी स्पेशल जोटा भैया इस साल। यो वाला भी आ गया, ये देखो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है दोनों ही चीज़। पहले तो मैं आपको भैया यो दिखाना चाहूँगा, जो कि मुझे इन भैया के पास काफ़ी अच्छी चीज़ यो वाली लगी। बूढ़ा बैल भैया, यो रोड, यो भी गढ़ मेडिकल रोड का स्पेशल बैल रहा अपने टाइम का। अब तो यो बूढ़ा हो गया, उम्र वगैरह आज इसकी पता करेंगे। पहला आप मैसा देख लो जी, नए वाला, किन के पास आए हो, सारी बातें पूछेंगे। ये देखो चेहरा वगैरह देख लो भैया, काफ़ी ख़तरनाक नस्ल है। देखो ये देखो जी, छोटे छोटे से कान, तो पहला अंकल जी हम बैल की जानकारी लेंगे, उसके बाद जोटे की लेंगे। अच्छा। तो पहले भी ले रखी है, पर कुछ नए दर्शक है जो नए देखो इस उम्र में भैया कितने हल्के तरीके से खड़ा हो गया। यो देख, तो अंकल जी एज क्या हो चुकी बैल की? इसकी भाई 22 साल हो गया। 22 साल, पूरा 22 साल का हो गया। एक बार मैं आपका नाम परिचय पूछना चाहूँगा जी। नाम प्रताप जी, बहुत बढ़िया। और जिला मेरठ। तो जैसे बैल ले रहे, 22 साल हो चुके आपके पास ही हो चुके हैं? बिल्कुल, मेरे पास हो गए है 18-19 साल। उसके बाद जहाँ से आप लाए थे, इसकी टोटल उम्र 22 साल होगी। वो तो बढ़िया, कहाँ से लाए थे? नागौर से। प्योर जाके वंशी। बिल्कुल वंशी। और आज भी भैया इसका खींचा हुआ शरीर ऐसा का ऐसा ही है। देखो घुमाई फिराई बिल्कुल भी नहीं, इसकी नात वगैरह निकाल दी। 22 साल की बहुत उम्र हो जा जी, बहुत। और ऐसा ही कुत्ते की तरह पेट। यो देख, तो खाना पीना ऐसा ही ले रहा भी हो? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बस खेत वगैरह में ले जा रहे ना, ना, अब कहीं नहीं। अब बस घर पे ही हैं। भैया देखो खेत में जाना बंद कर दिया बैल का, क्योंकि उम्र भैया बहुत ज़्यादा हो रही और ऐसे परेशान। बहुत बढ़िया। तो मारने वगैरह का कोई वो नहीं अब भी? मतलब कोई ऊपर हो वैसे ना, थोड़ा बहुत है बाकी। भैया इसने तो कहाँ पे दौड़ा कर था वो, मतलब कौन सी रोड थी वहाँ? यहाँ से ही गढ़ रोड पे बिल्कुल लपालप करता जाता, मतलब जो रास्ते में कोई मिल जा ना, कभी भी दिक्कत नहीं आई। पार ही तार दी इसने गंगा जी, यहाँ तो 70 किलोमीटर भाग का दिखा देता। भाई वाह, कितनी गंगा जी नहाई आपके पास से? 7 गंगा जी, और साथ के साथ लगातार? लगातार। भाई वाह, देखो 7 साल भैया गंगा जी नहाना, 70-70 किलोमीटर भाग के जाना। आओ भी उधर से पैदल ही थे, 140 किलोमीटर की गंगा जी मान लो, 70 जाना 70 आना। अब क्या क्या चल रहा जी? अब तो जो छोटा खावे उसकी नॉर्मल दलिया वगैरह खा ले भैया, लीवर भी बहुत मजबूत निकला इस बछड़ेगा। और रोब आज भी वही है जी अंकों में इसकी तो। और भैया अब बात करेंगे, तो अब जोटे से जाने लगे जी गंगा जी पिछले 2-3 साल से। तो यो वाला भैंसा, यो वाला कब लाए? यो भी 1-1.5 महीना। 1-1.5 महीना हुआ। तो जैसे ले आए कहाँ से लाए? मेरा नाम भूल गया मैं, दुआई के पीछे पड़े। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, वो तो बात नहीं। तो एक बार मैं आपके लड़के का नाम लेना चाहूँगा, उन भैया मोहित भैया, तो कहाँ जा लिया आज भी? वो आज मेरठ है भाई। वाह, देखो भैया उनका वीडियो में बोलने का तरीका बहुत शानदार है। और झोटा देख लो पहले आप चारों तरफ से। आज अंकल जी हमें यहाँ पे मिल गए थे, काफ़ी ज़्यादा शौकीन अपने समय के। ये आप बैल से नया करो थे गंगा जी, तो झोटे का शौक नहीं आपको? झोटे का भी है मुझे है। अच्छा अच्छा, बैल से ज़्यादा एंजॉय आवे था भाई। वाह, और इसके भैया चारों के चारों पैर सफ़ेद है, मतलब लोहिया से है, थोड़े थोड़े नस्ल मजबूत वाली है, प्योर वाला राजस्थानी। तो वहाँ पे क्या कुछ कर रहा था जोटा, शौक में ही था या वैसे काम मिलने में? काम मिलने में था। अच्छा, काम मिलने में था, ठीक ठीक, वो तो बढ़िया। तो टैल वहाँ पे भी अच्छे वाली होती थी? हाँ। मतलब अच्छे वाले थे, काम भी करे थे और शौक भी करे थे, वो तो बढ़िया। तो जैसे अब आपके पास आ गया, आपका विचार क्या कुछ है, कहीं एंट्री में या गाँव से ही? गाँव से ही। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये देखो भैया जंगी नस्ल है पूरी बेहतरीन वाली। तो कितना कितना घुमा दिया आपने? वो हमें बाईपास घुमा दिया।
अच्छा 24-25 किलोमीटर 24-25 घूम जा भाई। वाह देखो भैया इनके बाईपास तक पड़े आना जाना। गोला रोड को काट के मेरे बाईपास रोड पर गुजरा गोल घुमा गया। ठीक एक बार खोल सको चला सको थोड़ा सा यो अब देन मतलब जेवड़े पे वैसे चल जाएगा वैसे ही चला दो कोई नहीं नॉर्मल। भैया जोटा ज़्यादा सुंदर है अब तो तैयारी पर लग गया है। देखो बारीक होने की तरफ चल पड़ा। और भैया इस खुंटे पर हमेशा सही अच्छी चीज़ रहती आई गली में देखते ना गली में वहीं साफ सा आ जाएगा थोड़ा सा। तो कान नहीं लग रहा अंकल जी हो तो अच्छा छः हैं यो देखो भैया। और रोटा गांव में भैया एक से एक जोटे हैं इस साल तो। चल यो देखे भैया चलता हुआ गली में बिल्कुल आराम से कितना बढ़िया मोहित रोटा वाला जोटा। गोबर करा अंकल जी रोक लो एक बार। यो देखो भैया मोहित रोटा वाला जोटा काफ़ी बेहतरीन बहुत भाइयों की डिमांड थी कि इस जोटे की भी वीडियो लाई जावे। तो लो भैया आज आपके लिए ले आएंगे इस जोटे की वीडियो। काफ़ी चहीता और साफ सुथरा जोटा काफ़ी जंगी नस्ल का बिल्कुल लोहिया। तो देख लो घुमा लो जी घुमा लो थोड़ा सा मोटिव है आपको गंगा जी के अच्छे अच्छे जोटे दिखा दिए जावे। यो देखा भैया चलना देखा कितनी अदा में चल रहा। तो अंकल जी जोटा मनपसंद भाग गया आपको बहुत बढ़िया। देने का तो कोई विचार नहीं क्योंकि पैसे के आगे सौंक के आगे पैसा देख के जाता। ये देखो भैया चलने की अदा देखा जोटे कितनी सुपर वाली। तो चालक तो मोहित भाई हो गए जी इसके। ठीक जी ठीक। देखो आज तो वे ड्यूटी पर जा रहे मैंने सोचा ना सरप्राइज देंगे जाके पर वे पाए ड्यूटी पर जी कोई बात नहीं। तो सभी भाई कमेंट करके ज़रूर बतावे कि झोटा और बैल कैसे लगे। आज भी सिंगार वो कब वही मौजूद है जिसका इतनी उम्र के बाद भी हाँ जी हाँ हाँ जी कुछ पता नहीं लगता पहले प्यार से ही रखो हाँ जी यकीन पता नहीं लगता जी नए पशु का जो अपने पास रह चुका हो एक दो साल तो पता लग जा वो तो पहले वाला उसे में हर डाल हाँ वो जोटा भी काफी स्पेशल वाला था बढ़िया जुड़ के भी बहुत अच्छा चले था जी वो हलवा हलवा यो भी अच्छे वाला जी। देखो पूछ देखो कितनी बारीक। तो धन्यवाद भैया सभी भाई कमेंट करके जरूर बतावे कि मोहित भैया के सोंक वाले पशु कैसे लगे। देखें जी धन्यवाद। यो वाली बछिया अब तक भी आई भी नहीं, नहीं, कुछ नहीं। और दूध दे रही है ऐसे ही नहीं, बिना भी आई नहीं, भैया यह चीज जरूर देखो जी आ जाओ एक बार अंदर ही चलेंगे। हाँ, हाँ, मारती तो नहीं भैंस भैया यो बछिया भी आई भी नहीं जी ना किट लगी ना कुछ दूध दे रही है ना प्रेग्नेंट करवाई अब करवाऊंगा अब बोल लगी। अच्छा जी और ऐसे ही दूध दे रही है दूध देने लगी थी अगले 6 महीने दूध देती। भाई वाह भैया ऐसी चीज भी देखने को बहुत कम मिला है बहुत कम। तो ये बच्चिया घर की है या कहीं से लाए थे? अपने मामा घर से लाए थे। मामा किसे लाए थे? छोटी सी गाय है। देखो भैया 6 किलो दूध तो जी बहुत बैठ जा। हां 6 दिन तो डेली निकाल रहे डेली सुबह शाम। हां नैना लगाओ बैठ दे। तो ऐसा कुछ मतलब दिक्कत नहीं आती अनोखा सा है कुछ काम ये तो है कोई दिक्कत आराम से दे रही कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। देखो भैया बछिया भी काफी बढ़िया वाली है भारी भरकम है जी। बढ़िया वाला दूध निकाल लेगी जब नु मानो अभी तो अपनी मर्जी से दे रही है।
अभी तो कुछ है नहीं, कुदरत का करिश्मा है जी। वो तो यो देखो जी बछिया, ठंड भी भैया देख लो तो आप, उम्र भी कम इसी लग रही जी मुझे इसकी। अभी थोड़े 5-4 दिन पहले दो दांत अभी थोड़े भैया, अब तक भी आई नहीं, इस साल इसे प्रेग्नेंट करवाएंगे जी। तो मौज बांध देगी। और ये वाली गाय आपका दूसरे भी, दूसरे भी आई जी वाली। और देख लो भैया साइज देख लो जी आप, तो यो घर की तैयार कर दी था वाली घर की भाई। वाह, तो देखें बहुत शानदार भैया आज की वीडियो यहाँ से बनी, तो इसे डाल लेंगे सभी भाई। कमेंट जरूर करियो कि वीडियो कैसी लगी।